हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका अपने चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने लेके आई क्लास नंबर 5 है, ये आपकी एसबीआई को टारगेट करते हुए एसबीआई क्लर्क, जो रिसेंटली पेपर है आपका एसबीआई क्लर्क या फिर जो भी अभी रिसेंटली एग्जाम होने वाले बैंकिंग के, उन सबको टारगेट करते हुए क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पजल। आज मैं इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगी कि अगर आपके के एग्जाम में पजल आनी है तो फिक्स है ही, सबसे वेटेज पजल का रहेगा आपके एग्जाम में, तो पजल की शुरुआत कैसे करेंगे। आज की क्लास में आप परफेक्ट नहीं बन जाओगे, लेकिन मैं आपसे आज कोशिश करूंगी, शुरुआत आज से करी हम लोगों ने पजल की। आज मैं आपको सिखाऊंगी अगर आपके सामने कोई पजल आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। अगर आपको एक बार उसको हैंडल करना आ गया कि शुरुआत कैसे करेंगे, क्या करना होगा, उसके बाद आप कोई भी पजल बना सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आप पजल की 10 क्लासेस देखिए मेरी, मात्र 10 की बात करूंगी, पजल की आप लगातार 10 क्लासेस देखिए, 11वें दिन से आपसे पजल खुद से बनने लग जाएगी। बस शर्त वही है कि जो जैसा तरीका मैं आपको बताती हूँ सेम वैसा अप्लाई कीजिएगा, सेम टू सेम वैसा, इधर का उधर नहीं करना है, जैसा जो बोला गया है जिस भाषा में बोला गया है उसी भाषा में आपको इस्तेमाल करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और इसका रिजल्ट देखिए 11वें दिन, आज से 11वें दिन के बाद देखिएगा आप लोग कि आपसे सिटिंग अरेंजमेंट या पजल दोनों बननी स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग टाइम लगेगा, अभी ये नहीं बोलूंगी कि मैं आपको कि 3 मिनट बन रही है 4 मिनट, नहीं, हो सकता है आपको पजल बनाने में 10 मिनट लगते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, लेकिन गारंटी इतनी नहीं लग जाऊंगी मैं आपसे कि आपसे पजल बनने लग जाएगी। और टाइम धीरे धीरे 1 महीने के बाद आपकी ये स्टेट आ जाएगी कि आपसे कोई भी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट मात्र 3 मिनट में कंप्लीट होगी, मात्र 3 मिनट में। मैं आपको सिखाऊंगी कि 3 से 4 मिनट के अंदर क्लर्क या फिर बोलो प्री लेवल की जब पजल आती है, प्री लेवल की कोई भी पजल को हम कैसे 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 4 मिनट मैक्सिमम है, इससे ऊपर लेंगे ही नहीं हम लोग, ठीक है। तो शुरुआत करते हो आज के टॉपिक की पजल की, ध्यान दीजिएगा। देखो पजल से शुरुआत करूंगी तो देखो जो आपके देखो पजल का मतलब क्या होता है, पजल का मतलब क्या होता है, पजल क्या चीज है, पजल है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस फाइन अननोन। अब इसका मतलब क्या है, फाइन अननोन, पजल कुछ भी नहीं है, पजल दो चीजों का मिक्सचर है, सिटिंग अरेंजमेंट मतलब पजल के अंदर हमें लोगों को बिठाना भी होता है और हमें एक छुपी हुई चीज होती है, एक उसमें कोई छुपी हुई चीज होती है, उसको ढूंढना भी होता है, पजल का मतलब ये है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। पजल कोई अलग से कोई बनके नहीं आती है, सिटिंग अरेंजमेंट हम सब लोग करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में ही अगर हम लोग एक और चीज ऐड कर दे कि भाई इसमें ये चीज निकालो तो उसे हम पजल बोल देते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। कोई पजल कोई नया कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ वही चीज है, सिटिंग अरेंजमेंट बिठाना ही होता है, चाहे बिठाओ लाइन में, चाहे बिठाओ कॉलम में, चाहे बिठाओ गोले में, चाहे बिठाओ ट्रायंगल में, चाहे बिठाओ रेक्टेंगल के अंदर, चाहे बिठाओ स्क्वायर के अंदर, बिठाना होता है। लेकिन एक चीज इसमें और होती है एक्स्ट्रा कि हमें कोई एक नई चीज ढूंढनी निकालनी होती है, क्वेश्चन में कुछ चीज एक चीज को छुपा रखा होता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, हमें सारे डेटा को देख के हमें निकालना पड़ता है कि भाई इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी समझ को कि पजल और सिटिंग में फर्क क्या होता है, ये बात समझ में आई। सिटिंग का मतलब केवल बिठाना होता है, पजल के मतलब क्या होता है, बिठाना तो है ही प्लस एक अननोन चीज को फाइंड करना भी होता है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो जैसा मैंने आपको बताया है ये जो होता है वो कितना टाइप्स का होता है, 3-4 टाइप्स का होता है, एक आती है आपकी लाइन में, एक आती है आपकी सर्कल में, एक आती है आपकी स्क्वायर में, मेनली हम यही पढ़ते हैं, मेनली हम यही पढ़ेंगे, एक और फ्लोर और है, एक आपका फ्लोर हो गया, अगर आप देखोगे तो मेनली हम यही चीज पढ़ेंगे, या तो हम किसी भी लोगों को लाइन में बिठाएंगे, या हम किसी भी लोगों को सर्कल में बिठाएंगे, या हम किसी भी लोगों को स्क्वायर में बिठाएंगे, या हम किसी भी लोगों को फ्लोर में बिठाएंगे, इसके अलावा कोई अलग तरीका नहीं होता, अपने पास कोई भी अलग मेथड नहीं होता, इसके अलावा यही चीज होती है, इसमें हमको बिठाना होता है। तो हम वन बाय वन सीखेंगे, हर किसी का तरीका अलग होता है, मतलब लाइन में बिठाने के लिए अलग तरीका इस्तेमाल करेंगे, सर्कल में बिठाने के लिए अलग तरीका इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर में बिठाने के लिए अलग तरीका इस्तेमाल करेंगे, फ्लोर में बिठाने के लिए अलग तरीका इस्तेमाल करेंगे। और आप मेरे से पूछोगे सबसे आसान पता है क्या होता है, फ्लोर सबसे आसान होता है, इजिएस्ट, और सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, मैक्सिमम
ये यहाँ से एक सवाल 110% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 110% है यहाँ से सवाल बनना होता है, सबसे आसान होता है, सब जल्दी बनता है और एग्जाम में आता भी है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज। अब शुरुआत करते हैं, जब भी हम पजल की बात करते हैं, देखो वन बाय वन देखेंगे हर चीज को वन बाय वन देखेंगे। आज मैं आपको एक सिखाऊंगी भी कि एक पजल दूंगी मैं आपको, आप बनाओगे भी आप लोग, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ आपको, जब भी पजल की शुरुआत करेंगे शुरुआत कैसे करेंगे, पजल की शुरुआत कैसे की जाएगी। देखो पजल में शुरुआत करने से पहले सबको पता होना चाहिए कि पजल में जो लाइनें दे रखी है, पता है पजल क्या है, पहेली है, पहेली को सुलझाने के लिए क्या चाहिए होता है, जो वो लिखा हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जो शब्दों का इस्तेमाल होता है पजल में, बैठक व्यवस्था में, उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि उनका मतलब क्या होता है। जैसे ही कुछ शब्द बताती हूँ मैं आपको, जो इंग्लिश में बोलते थे उसको हु, दूसरा बोल रहा और, या बोल दिया और एंड, ठीक है। ये कुछ शब्द होते हैं, ध्यान दिए होंगे आप लोगों ने बहुत बार, ये कुछ शब्द इस प्रकार के शब्द हैं जो जो पजल में हर लाइन में देखेंगे आपको, देखने को बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये जो आया किसके लिए आया, ये एंड आया किसके लिए आया, और आया किसके लिए आया। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी, हर एक पजल में ये चीज आती है और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, अगर आपने वो समझ लिया कि कैसे हम पजल को करते हैं, कैसे समझते हैं, उसके बाद आप कोई पजल को आसानी से बना सकते हो। देखिएगा इसमें क्या है, जो और एंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से लिखा है, ए है, बी है, बी के बाद अगर जो लगा दिया और यहां सी लिखा हुआ है, तो पता है इस जो का मतलब क्या होगा, जो इसके आगे और सबसे पास में है, जस्ट आगे है और पास में है उसके लिए यूज होगा, मतलब ये जो बी के लिए यूज होता है। अगर मान लीजिए ये जो यहां लगा दिया, ये जो यहां लगा दिया, तो ये किसके लिए यूज होगा, इस वाले के लिए यूज होगा, ठीक है। अगर इस जो को मैंने यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, तो ये जो जो होगा इसके लिए यूज होगा, ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इस जो का जो इस्तेमाल होता है वो किस प्रकार से होता है। यही तरीका है जो का इस्तेमाल करने का, उससे आगे और सबसे पास में जो भी होगा उसके लिए वो शब्द इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं एंड की, एंड का मतलब क्या होता है, ऐसे ए कॉमा बी और यहां लगा दे और या एंड और सी। अब देखिए ये और किसके लिए यूज होगा, सबसे दूर वाले के लिए, सबसे दूर वाले के लिए ये और का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, जो सबसे दूर होगा उसी के लिए, ये उस लाइन में जिस लाइन की बात कर रहे हैं उस लाइन में सबसे दूर जो होगा उसी के लिए ये और का इस्तेमाल होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो और में फर्क होता है, जो हमेशा पास वाले के लिए इस्तेमाल होता है और हमेशा दूर वाले के लिए इस्तेमाल होता है, हमेशा। ऐसे इसके पास में कौन है, ये दो लोग हैं, इससे आगे कौन है, ये दो लोग हैं, तो इसके लिए यूज में नहीं आएगा, इसके लिए यूज में आएगा। क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा, लेकिन मैंने आपको बेसिक समझाया है कि ये जो और बहुत यूज आएंगे आपके, बहुत यूज में आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये शब्द किस चीज के लिए यूज में आ रहे हैं। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, इतनी बात सब इसको समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं आपको एक पजल दूंगी। दूसरी चीज ये थी आपकी, पहली चीज जो आपको आनी चाहिए, मतलब दूसरी चीज क्या है, आपको आना चाहिए कि बिठाना कैसे है, मतलब अरेंजमेंट क्या होगा। जैसे अगर किसी को सर्कल में बिठाना है, किसी को गोले बिठाना है और आठ लोग हैं, तो कैसे बिठाओगे, एक सिस्टमेटिक वे में, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमेशा यही पैटर्न फॉलो होगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। अगर आठ लोग हैं ऐसे बिठाओगे, अगर छह लोग हैं तो ऐसे बिठा दो, अगर पांच लोग हैं तो ऐसे बिठा दो, अगर चार लोग हैं तो ऐसे बिठा दो। आई बात समझ में, ये बात ध्यान रखना, जो पैटर्न फॉलो कर रहे हर क्वेश्चन में वही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। यहां हमने ऐसे बिठाया तो हमेशा आठ को वैसे ही बिठाना है आपको, अगर छह को ऐसे बिठाया तो हर जगह छह को ऐसे ही बिठाएंगे, अगर पांच को ऐसे बिठाया हर जगह पांच को ऐसे बिठाएंगे, अगर चार को ऐसे बिठाया तो हर जगह चार को ऐसे बिठाएंगे। ये नहीं कहीं पे ये इस्तेमाल हुआ है कहीं ऐसा इस्तेमाल हो गया, ना, हमेशा देखो पांच ये भी है और पांच ये भी है,
पांच ये भी है, पांच ये भी है, लेकिन फर्क आ गया दोनों में। आई बात समझ में? ऐसा आप कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा आप कभी भी नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे, जब भी कोई सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम लोग हमेशा दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं, दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है, दोनों पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये है छह का, छह के लिए ये बनाया है, तो छह के लिए यहाँ पे ये नहीं बनेगा। ये बात समझे? छह के लिए हमें यही बनाना होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये सही होगा। दो पॉसिबिलिटी बना रही है, एक मैंने ये बनाई और एक मैंने ये बना दी, ये गलत मानी जाएगी। अगर ऐसे बनाओगे तो इन दोनों में आंसर में फर्क आएगा। अगर आपने एक जगह ऐसी बनाई है तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी वैसे ही बननी चाहिए। अलग अलग डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप अलग डायग्राम बनाते इस वजह से आपको गलत होता है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि जो डायग्राम आप फॉलो करें उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर एक केस के अंदर तीन पॉसिबिलिटी बनती है तो तीनों का डायग्राम एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग मैक्सिमम गलती करते हैं, इसी वजह से आपका सवाल भी गलत हो जाता है। ये अगली चीज थी जो आपको ध्यान देनी थी। एक और चीज जो आपको करनी है वो है बफर बनाना। एक चीज और भी है जो आपको करनी है वो है बफर बनाना। क्या है भाई? बफर बनाना, कि बफर किस प्रकार से बनाया जाता है। किसी भी सवाल में बफर किस प्रकार से बनाया जाता है, अभी मैं सिखाऊंगी आपको कि बफर कैसे बनाते हैं। काफी बच्चों ने मेरे मुंह से ये नाम सुना होगा बहुत बार, अगर आप में से पहले पढ़ चुके हैं बफर क्या होता है, बफर क्या होता है, सिखाऊंगी आपको बफर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो फटाफट से शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते हुए चले भाई, सभी लोग मिलके शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते हुए चले। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ऐसी और भी वीडियोस आ चुकी हैं, आप उसको भी देखिए। आगे और भी इस प्रकार की वीडियोस आएंगी, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। कम समय में हम लोग आपको मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपका मैथ सलाह किया करेगा और इसी प्रकार से आपको रीजनिंग चलेगी, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश में भी आपको टाइम टू टाइम मैं हर चीज अपडेट करती रहूंगी, कैसे कैसे आप क्या करें। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बफर हम सीखेंगे बनाना, बफर हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर बनाना। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले आपको बताऊंगी डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए जल्दी से, जरा फटाफट से देख लेते हैं एक बार, जरा देखते हैं डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखो स्टेप पहला समझ में आ गया कि डायग्राम बनाना है। अब देखिए डायग्राम का खेल समझना, जरा डायग्राम का खेल समझना। मान लीजिए गोला है, ठीक है, अगर ये गोला है और आठ लोग बैठे, हमेशा ऐसे ही बिठाना है, हमेशा आठ लोग हैं, हमेशा ऐसे बैठाओगे गोले में है। तो अगर आपका ये किसी स्क्वायर के अंदर है और आपसे बोला जाए कुछ इस प्रकार से कि कुछ का मुंह अंदर है कोने में और कुछ का मुंह बाहर है, एक डायग्राम का इस प्रकार से बनता है, एग्जाम में आता है ऐसा सवाल भी आपका। एक सवाल आएगा कुछ इस प्रकार से, एक सीधी रेखा में कुछ सबका मुंह उत्तर की ओर है, या बोल देगा सबका मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक है, मेनली आपके एग्जाम में यही चार पांच सवाल आते हैं, मेनली सभी एग्जाम्स में आपके यही चार पांच सवाल आते हैं, इसके अलावा कोई और फिगर नहीं बनती जर्नली। ठीक है, अब देखिए सबका मुंह मान लेते हैं यहां अंदर की ओर है, सबका मुंह मान लेते हैं यहां पे अंदर की ओर है। ठीक है, अब देखो फिगर तो बना ली हमने, फिर सबसे पहले काम क्या था, फिगर बनाना। सबसे दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है जो आपके सामने आती है, वो दिक्कत होती है आपको निकालना कि दिशा क्या होगी, मतलब लेफ्ट कहाँ होगा, राइट कहाँ होगा, बाएं कहाँ होगा और दाएं कहाँ होगा। सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, सबसे बड़ी दिक्कत है, बच्चे कंफ्यूज है, ए बी के दाएं, बी सी के बाएं, कौन सा दाया कौन सा बाया, कंफ्यूज कहाँ बिठाएं। सब गोल है, सब गोल है, दुनिया गोल है वाला सब याद आता आपको, तो नहीं, दुनिया गोल जरूर होगी पर यहां भी हम सीख सकते हैं। देखिएगा अगर आपके सामने अगर कोई गोला दे रखा हो, गोला दे रखा हो, तो आप वो तीर देखेंगे जिसका मुंह मेरे बराबर है। जैसे कि इसका मुंह कहां, इधर, इसका राइट मेरा राइट, इसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट, तो देखो ये क्या हो गया, इसका राइट हो गया, इसका राइट मेरा राइट, इसका लेफ्ट मेरा राइट, तो राइट को मार्क करेंगे, राइट ये रहा।
इसको छोड़ देंगे इधर की साइड, इधर वापस मार्क कर देंगे, इधर छोड़ेंगे, इधर वापस मार्क करेंगे, इधर मार्क करेंगे, ऐसे देखो एक छोड़ते जाएंगे और एक मार्क करते जाएंगे, तो ये क्या हो गया, राइट राइट बन गए। अगर इसी में ही मैं बना दूं आपको, सबका मुंह बाहर की तरफ है, सबका मुंह बाहर की तरफ है, तो देखिए तो कैसे होगा, सबका मुंह बाहर की तरफ है। अब देखना, अब तीर कौन सा लेंगे, ये वाला तीर लेंगे, क्योंकि इसका राइट मेरे राइट के बराबर थे, अब राइट ये वाला हो जाएगा। तो अब यहां मार्क कर दो, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक यहां मार्क कर दो। समझ में आया, छोड़ा क्या है, इधर वाला गैप छोड़ दिया इधर बना दिया, इधर वाला गैप छोड़ा इधर बना दिया, इधर वाला छोड़ा इधर बना दिया, ये बात समझना, छोड़ना क्या है। देखो ये लिया, इधर का गैप छोड़ दिया इधर बना दिया, ये वाला गैप छोड़ा इधर बना दिया, इधर का गैप छोड़ा इधर बना दिया, समझ में आया। तो ये होगा सर्कल के अंदर। अगर आपसे यहां भी बोले तो वो कैसे बनाएंगे, तो ये इसका राइट है क्योंकि मेरा राइट इसका राइट बराबर है, तो यहां पे इसका राइट होगा, बगल बगल वाला, ये दोनों कॉलम छोड़ेंगे, ये राइट इसका होगा, ये दोनों छोड़ देंगे, ये राइट इसका होगा, ये दोनों छोड़ देंगे, ये राइट इसका होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये राइट लेफ्ट मैडम पागल हो गई है, पर पागल नहीं हुई हूं बेटा, ये काम आएगा बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में। पहले तो इसमें राइट लेफ्ट कैसे बनाते हैं, अंदर और बाहर मुंह है, अगर इस प्रकार का आता है तो कैसे राइट राइट और लेफ्ट बनाते हैं। अगर ये आएगा ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका राइट है, ये क्या है राइट है, और ये क्या है लेफ्ट है, इसमें उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। आई बात समझ में। ये थी अगली चीज, स्टेप नंबर टू आपको आना चाहिए, जैसे ही डायग्राम बना लो, जैसे ही डायग्राम बना लो वैसे ही राइट लेफ्ट को मार्क कर दो। सबसे पहले डायग्राम बनाते ही राइट लेफ्ट को मार्क कर देंगे, तो क्या आधा जंग अपना कंप्लीट हो गया, आधी जंग खत्म हो गई। अब अगली जंग क्या आएगी आपकी, बफर बनाने की। अब बफर किस ब्लॉक को कहते हैं, सवाल देती हूं आपको मैं, ये सवाल आप लोग करिएगा, ठीक है। सवाल देखिए, ये देखो, ये रहा आपके सामने सवाल। मैं चाहूंगी इस सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद से ये सवाल कर पाए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इस सवाल को आप खुद से कर पाए, ठीक है। और कल हम इसी सवाल से शुरुआत करेंगे, आज आप लोग अपना पूरी एनर्जी लगाइए, पूरी एनर्जी। बता दिया मैंने गोले का सवाल है, गोला ऐसे बनना है बता दिया मैंने आपको, कैसे राइट लेफ्ट बनेगा वो भी बता दिया आपको। अब सवाल पहला आपके सामने है, कोशिश कीजिए पूरी तरीके से सवाल को कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कल मैं इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगी और ट्रिक्स भी बताऊंगी और बफर बनाना भी सिखाऊंगी, किस प्रकार से हम इतने बड़े बड़े सवालों को शॉर्ट में लिख सकते हैं। इतना बड़ा पढ़ना आसान नहीं है, हम इसको एकदम शॉर्ट में लिखेंगे कि भाई इसको एकदम सारांश में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को ऑफ करते हैं, कल की क्लास में आपको सिखाऊंगी कि इतने बड़े सवाल का बफर किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। कल कोई भी क्लास मिस ना करे, सिखाने वाली हूं मैं किसी बड़े सवाल को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो मैं आपसे यही बोलूंगी, शेयर कीजिए जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैलाइए इस क्लास को, कम समय में ज्यादा देने की कोशिश है भाई आपके लिए, कम समय में जितना मैक्सिमम मैं दे सकती हूँ उतना मैक्सिमम आपको दूंगी इस क्लास के लिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं वापस से कल शाम को 7 PM में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।